안녕하세요. Hello everyone, or welcome back in the fourth lesson of Korean. So, 아ज की जो lesson है वो बहुत ही important lesson है. मैंने जो script है वो भी बना चुकी है. Please आपकी जो pen है, notebook है, किताब है वो हाथ में लीजिए और हम इस lesson को start करेंगे. अभी आपने किताब नहीं ली? हाँ, आप भी. हाँ, okay, ready, go. लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. एक जो बात है जो मुझे काफ़ी महीनों से तंग कर रही है और मुझे पता नहीं कि मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ, बताऊँ तो कैसे बताऊँ, क्योंकि वो काफ़ी रूड साउंड हो सकती है. सो फ्लैशबैक में जाते हैं. 6, 7, 8, 9 महीने पहले एक ट्रेंड चल रहा था यूट्यूब पर, जो कि था कोरियन पीपल रिएक्टिंग टू बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड मूवीज ट्रेलर्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो बेसिकली हुआ ये था कि तब ये जो वीडियोस काफ़ी पॉपुलर चल रहे थे, तो जो इंडियन ऑडियंस है, स्पेशली जो लेडीज ऑडियंस है, वो कोरिया के बारे में बहुत ही अट्रैक्टेड है, इंटरेस्टेड है, एंड मे आई से ऑब्सेस्ड है. तो ये जो वीडियोज हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे उस टाइम पर, और अभी भी पॉपुलर है वो वीडियो. तो ये जो ऑडियंस है वो वीडियो को देखती थी, लाइक करती थी, इनके जो व्यूज़ है वो इंक्रीज होते जाते थे, और जो सब्सक्राइबर नंबर्स हैं इन चैनल के वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाते थे. तो उस टाइम मैं भी ये वीडियो देखती थी. तो एक दिन मैंने क्या करा कि मैंने ये जो वीडियोज़ हैं, मेरे जो कोरियन फ्रेंड्स हैं जो मेरी उम्र के हैं, जो मतलब जो यंगस्टर हैं, उनके साथ मैंने ये वीडियो शेयर करे थे, उनको दिखाने के लिए कि देखो हमारा इंडिया इतना ग्रेट है, हमारे बॉलीवुड गाने इतने मस्त गाने हैं, तुम्हारा क्या केपॉप, हमारे पास बॉलीवुड है. तो मैंने उनके साथ शेयर करे थे ये सारे वीडियोस. तो उन्होंने जो उनका रिस्पांस था वो काफ़ी मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग रिस्पांस था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हाँ बहुत ही मस्त गाने हैं, ये लड़कियाँ भी कितनी सुंदर हैं, एक्ट्रेस भी कितनी सुंदर है, लेकिन पूनम तुम्हें क्या रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्शन बहुत ही फेक रिएक्शन है. तो उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ नहीं करा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक्चुअली. तो मैंने बोला कि नहीं यार, देखो कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये इतने मज़ेदार रिएक्शन दे रहे, इतने फ़नी रिएक्शन है, इतने क्यूट और स्वीट और यू नो कि इतने अच्छे रिएक्शन है, ये थोड़ी फेक हो सकते हैं. लेकिन जो मेरे सारे फ्रेंड्स, उन्होंने यही बात बोली थी कि नहीं पूनम, ये जो रिएक्शन है ये यूजुअली कोरियन इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं करता. तो उन्होंने बोला था कि पूनम तुम कोरियन नहीं हो, और तुम कोरियन नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं कि यूजुअली कोरियन इंसान कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो तुम्हें पता नहीं चल सकती, क्योंकि ये एक कोरियन इंसान के बारे में बता सकता है. जैसे कि एक इंडियन दूसरे इंडियन के एक्सप्रेशन देख के बता सकता है कि वो मतलब कि वो उनके एक्सप्रेशन देख के उन्हें ऑटोमेटिकली एक इंस्टिंक्ट होता है, वो पता चल जाता है. जैसे कि हम एक इंडियन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इंडियन है. उस टाइम मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था, मैंने चलो कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, मेरा थोड़ी कोई जाता है, मेरा थोड़ी कोई वो नुकसान कर रहे हैं. तो उन्हीं दिनों में मेरे जो कुछ कोरियन यूट्यूबर्स फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ हम एक साथ कॉफ़ी शॉप पर गए, कॉफ़ी पीने गए थे कॉफ़ी शॉप पर. तो उनमें से एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि पूनम, ये जो वीडियोस आ रहे हैं, जो इंडिया के रिलेटेड वीडियो हैं जो कोरियन यूट्यूबर बनाते हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है. तो मैंने बोला था कि यार मुझे पता नहीं, क्योंकि कोई बोलता है कि फेक है, कोई बोलता है कि नहीं है, लेकिन अगर लोग इंजॉय करते हैं तो मेरा क्या जाता है. तो फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन अब उसने बनाना छोड़ दिया है, और जो मेन रीज़न है वो ये कि जो मेरी यूट्यूबर फ्रेंड्स है वो इंडिया के बारे में ही वीडियो बनाती थी, जो कि थे कि कैसे इंडियन लोग कोरिया में रहते हैं, कैसे वो नवरात्रि, दिवाली, होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं कोरिया में, ये डॉक्यूमेंट्रीज टाइप में वो वीडियो बनाते थे. तो काफ़ी हाई क्वालिटी के वीडियो थे वो सब, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी ये वीडियो नहीं देखता था, इंडियन लोग भी है ना, वो भी वीडियो नहीं देखते. तो काफ़ी सैड बात थी कि वो इतनी मेहनत करते थे इन वीडियो को ऑर्गेनाइज करने में, बनाने में, और कोई भी नहीं देखता था. और ऑन द ऑपोजिट साइड जो कुछ कोरियन लोग थे वो बस एक टी सीरीज का वीडियो ओपन करके वो रिएक्ट करते थे, उनके व्यूज़ मतलब कि लाखों व्यूज़ हो जाते थे बिना कुछ मेहनत करे. तो उसी टाइम मैं जो कोरियन लेसन की वीडियोज़ थे वो बनाना शुरू करा था. तो जो स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब कि मैंने सोचा था कि
क्योंकि मैं यहाँ पे कोरिया में कोरियन लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको भी सिखा दूँ कुछ कर्म, कुछ अच्छे कर्म करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में इतनी सारी ज़्यादा सॉरी इतनी सारी ज़्यादा कोरियन क्लासेस स्कूल नहीं है, और जो है वो काफ़ी महंगी है या मेन सिटी में है. तो मैंने सोचा कि चलो मैं मेरे घर से ही आपको सिखा दूँ. स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद में जो दूसरा तीसरा वीडियो था उसमें जो व्यूज़ थे वो बहुत ही कम व्यूज़ थे. तो मैंने सोचा था कि क्या यार, मैं भी मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ इसके ऊपर, मेरी मेहनत एफर्ट कर रही हूँ और कोई वीडियो देखता नहीं है. लेकिन तब भी एक इंसान एक वीडियो बनाता है तो उसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता है. मतलब कि मैं यहाँ पे जो लेसन है उसकी स्क्रिप्ट भी बनाती हूँ, उस स्क्रिप्ट को मतलब कि रिहर्सल करती हूँ कैसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ. फिर बाद में जो एडिटिंग होती है, एडिटिंग मेरा एक पूरा दिन चल जाता है एक वीडियो एडिटिंग करने में. मतलब कि एक 5 मिनट का भी वीडियो हो ना, उसमें मैं काट पीट कर मतलब उसको बनाना काफ़ी मतलब कि बहुत ही टाइम वेस्ट होता है. डिफिकल्ट नहीं है लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होता है. और तो उस टाइम मैंने सोचा था कि चलो देखो कि कुछ लोग हैं जो रिएक्ट करते हैं, मतलब कि उनको सिर्फ एक वीडियो ओपन करता है, बैठ के आराम से वो वीडियो को रिएक्ट करते हैं. जो 5 मिनट का वीडियो होता है, जो 5 मिनट का गाना होता है, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और फिर वो अपलोड करते हैं. मतलब इसमें एडिटिंग भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. और जो मैंने वीडियो पहले वाले किए थे वो मैं क्लासरूम बुक करके वो मैंने किए थे. मतलब कि मैंने एक जगह पर जाके जो क्लास है उसको बुक करी थी कुछ घंटों के लिए, वहाँ पे वीडियो शूट करा था, फिर वापस घर पर गई थी बस लेके उनको एडिट करा था. अगर कुछ गलत चीज़ थी तो वापस वहाँ पर जाके बुक करके वापस, तो काफ़ी मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग था. तो मैंने सोचा कि चलो यार देखो कोई देखता भी नहीं है, एक तो आप एक पुण्य का काम कर रहे हो, सिखा रहे हो, और ऊपर से कोई देखता भी नहीं है. तो उस टाइम मेरी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस थी वो काफ़ी लो हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो यार शायद लोगों को पसंद ही नहीं है ये चीज़ देखना, तो मैं इसकी जगह कुछ और ही चीज़ करूँ ना, मेरे लिए, मेरे अपने लिए, मेरी अपनी ग्रोथ के लिए. तो उसके बाद में मैंने वीडियो बंद कर दिए थे बनाने. और लकीली उसी टाइम पर हुआ ये था कि जो कंपनी है, सोल में कंपनी है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा था ताकि कि मैं कोरियन सिखाऊं लोगों को अलग अलग भाषा में, क्योंकि मुझे 4-5 अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं. तो उन्होंने बोला था कि पूरम क्या आप इटालियन, हिंदी, इंग्लिश, आप इन लैंग्वेजेस में कोरियन सिखा सकते हैं इन लोगों को, इन ऑडियंस को, जो कि ऑनलाइन लेसन थे. तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि या व्हाई नॉट, मतलब कि मेरा क्या जाता है, मतलब कि एक सैलरी भी वो दे रहे थे, सब चीज़ था. जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, जो सेटिस्फेक्शन था वो भी काफ़ी अच्छा था, और मनी वाइज भी एक मेरी अपने आप ही मेरा एक फ़ायदा था. तो तीसरी बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू करना चाहते थे. तो उस टाइम जो यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट आते थे लेसन्स के बारे में, वो बोलते थे कि व्हेन इज़ द नेक्स्ट लेसन कमिंग, व्हाई डोंट अपलोड द नेक्स्ट लेसन. तो उस टाइम मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था कि कुछ लोग हैं जो स्टडी करना चाहते हैं और मैं उनको अबैंडन नहीं कर सकती, मतलब कि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं कैसे उनको अबैंडन करूँ. तो उस टाइम मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ था कि शायद मुझे ये सब छोड़ के यूट्यूब पर कंसंट्रेट करना चाहिए, जिन जो लोग सीखना चाहते हैं उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए. सो बेसिकली ये जो सारी रामायण है जो मैंने आपको बताई है वो इसलिए थी कि मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिए थे इसीलिए, क्योंकि मुझे लगता था कि जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे वीडियोज़ में. एनी वे आई एम गोना गिव इट अनदर ट्राई एंड सी हाउ इट गोज दिस टाइम. सो वी कैन स्टार्ट विद द लेसन फाइनली. सो आज की जो लेसन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आज के लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस बेसिकली तब आप बोलना चाहते हो कि आप कुछ एक्शन कर रहे हो इस टाइम पर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हो मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसे कुछ अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो जो काफ़ी बेसिक सेंटेंस है, उसको आप कोरियन में कैसे बनाओगे. सो अभी मैंने कुछ वर्ब्स तैयार करे हैं आपके लिए और मैं उनको यहाँ पे या यहाँ पे लिस्ट करूँगी. जो सबसे पहला वर्ब है वो है मोक्ता. मोक्ता, मोक्ता का मतलब होता है खाना खाना. नेक्स्ट वर्ब है माशिदा. माशिदा, माशिदा जिसका मतलब होता है पीना, टू ड्रिंक. जो तीसरा वर्ब है वो है फोदा. फोदा जिसका मतलब होता है टू सी या फिर टू वॉच. चौथा वर्ब है छादा. छादा जिसका मतलब होता है सोना. एंड लास्ट जो वर्ब है वो है हदा. हा
दा जिसका मतलब होता है टू डू. सो अगेन मुक्ता माशिदा फोदा छादा हदा. जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं जो सारे वर्ब्स हैं वो था में एंड करते हैं, इनकी जो एंडिंग है बेसिकली सेम है. ये बोली जाती है डिक्शनरी फॉर्म. इसका मतलब है कि तब भी आप एक कोरियन वर्ब एक डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो आप उनको इस फॉर्म में सर्च करना चाहिए. तो इनमें से आप प्रेजेंट टेंस कैसे बनाओगे? सो बेसिकली ये जो था है उसको डिलीट करिए. तो मुक्ता बन जाएगा मुक, माशिदा बन जाएगा माशी, फोदा बन जाएगा फो, छादा बन जाएगा छा और हदा बन जाएगा हा. और ये जो फॉर्म है ये बोली जाती है वर्ब स्टेम, मतलब कि बिना था के साथ इसे हम बोलेंगे वर्ब स्टेम. ओके आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन आप प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट करते रहिए. मैं देख रही हूँ जो स्टडी नहीं कर रहा, प्लीज टेक योर पेन एंड देन राइट डाउन व्हाटएवर. तो ये जो वर्ब स्टेम है उसके साथ आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सब चीज बना सकते हैं. तो आज के लेसन में हम प्रेजेंट टेंस बनाएंगे. तो जब भी एक वर्ब स्टेम आ या ओ में एंड करती है तो आप सुफिक्स ऐड करोगे आयो. फॉर एग्जाम्पल इनमें से कौन सा वर्ब स्टेम है जो आ या ओ में एंड करता है? सो जो आ में एंड करता है वो है छा आ, जो ओ में एंड करता है वो है फो. सो जो आ में एंड करता है छा, उसके बाद में आप ऐड करोगे आयो तो ये बन जाएगा छा आयो छायो. क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक आ है तो वापिस दूसरा आ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वे में लिखा जाएगा छायो. ओके इसका मतलब होता है आई स्लीप, यू स्लीप, ही शी इट स्लीप्स, वी स्लीप. सब सब्जेक्ट के लिए एक जैसा ही होता है. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन प्लीज आप अपना फोकस खोइए मत, प्लीज कंसंट्रेट. ओके अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो भी आ या ओ में एंड करता है उसके बाद में आप आयो ऐड करोगे. इनमें से कौन सा ओ में एंड करता है? जो कि है फोदा, फो ओ, उसके बाद में आप ऐड करोगे आयो तो ये बन जाएगा फो प्लस आयो. तब आप इसको जल्दी जल्दी बोलोगे तो आप बोलोगे फोआयो फायो फायो फायो. तो आप इसको लिखोगे इस तरह फायो, मतलब ये कंट्रैक्शन हो जाता है ओ और आ का फायो. आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन प्लीज डोंट लूज योर फोकस. ओके कंसंट्रेट कंसंट्रेट आई एम हियर. सो अगेन छायो फायो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोरियन में बोलना चाहते हैं मैं टीवी देख रहा हूँ तो आप बोलोगी छोनन, मतलब कि मैं टेलीविजनर फायो, मैं टीवी देख रहा हूँ छोनन टेलीविजनर फायो. अभी आप सोच रहे होंगे कि जो हदा वर्ब है उसका वर्ब स्टेम है हा. इसका ये मतलब है कि अरे वर्ब स्टेम तो आ है तो उसके बाद में मुझे आयो ऐड करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक एक्सेप्शन है. तो जब भी आपको हदा दिखता है जो काफी काफी कॉमन वर्ब है कोरिया में, वो ऑटोमेटिकली क्योंकि एक एक्सेप्शन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हेयो में, हेयो. तो आप हमेशा याद रखिए कि तब भी आपको हदा दिखता है तो ऑटोमेटिकली वो हेयो बन जाता है प्रेजेंट टेंस में. ओके सो छायो फायो हेयो. जो दूसरा तरीका है प्रेजेंट टेंस बनाने का वो है तब भी एक वर्ब स्टेम ना आ या ओ में एंड करता है. सो बेसिकली कौन से इन वर्ड्स में से जो हमने सीखे वो ना आ या ओ में एंड करता है? वो है माशिदा, जिसका वर्ब स्टेम है माशी जो कि ई में एंड होता है. हाँ, जो दूसरा वाला है वो है मुक्ता, उसका वर्ब स्टेम है मुक जो करता है एंड ओ में, मतलब कि ना कि आ या ओ. सो उनमें आप क्या ऐड करोगे? उनके बाद में आप ऐड करोगे ओयो. सो बेसिकली मुक्ता जिसका मतलब होता है टू ईट, वो बन जाएगा मोक प्लस ओयो. तो उसको आप बोलोगे मोगोयो मोगोयो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं किमची खा रहा हूँ तो आप बोलोगे छोनन, मतलब कि मैं किमची रु मोगोयो, मैं किमची खा रही हूँ. जो दूसरा वर्ब है जो ना आ या ओ में एंड कर रहा है वो था माशिदा, जिसका वर्ब स्टेम है ई. ये अगेन एक कंट्रैक्शन रूल है, तब भी वर्ब स्टेम ई में एंड करता है उसके बाद में आप हमेशा जैसे मैंने आपको बताया ओयो एंड करोगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वे में ई प्लस ओ बन जाता है यो, तो ये बन जाएगा माशोयो माशोयो.
ओके सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलना चाहते हो कि आप पानी पी रहे हो तो आप बोलोगे छोनन मोरू मतलब कि पानी मुल मोरू माशा. अगर आपने थोड़ी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन में लिखिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी. और अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी ताकि आप अपने आप प्रैक्टिस करो कि कैसे इन वर्ब्स को प्रेजेंट टेंस में बनाना है. सो पहला वाला वर्ब है खोम्पू हदा, इसका मतलब होता है टू स्टडी. नेक्स्ट वर्ब है नोल्टा नोल्टा, इसका मतलब होता है टू प्ले टू हैंग आउट नोल्टा. जो नेक्स्ट वर्ब है वो है सादा सादा, जिसका मतलब होता है छुबाई. लास्ट वर्ब है वो है खारिचिदा, जिसका मतलब होता है टू टीच. तो प्लीज आप ये जो वर्ब्स हैं उनको प्रेजेंट टेंस में ट्रांसफॉर्म करें और कमेंट डाउन में आप लिखिए कि कैसे आप उनको प्रेजेंट टेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे. या फिर अगर आप थोड़े शाय या बोलना नहीं चाहते, जो ये मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर है, वहाँ पे आप मुझे DM सेंड कर सकते हैं कि दीदी क्या ये सही है नहीं. सो आई विल हेल्प यू. अगर आपकी कोई अगर डाउट्स वगैरह है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ एंड आई नो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट और कन्फ्यूजिंग थी, लेकिन एक बार आपको ये जो रूल हैं जो मेमोराइज हो जाए ना तो वो काफ़ी ईजी होगा फ्यूचर में. Okay, so thank you so much for watching this video and I don't know why I keep doing these things with my hands. Thank you so much for watching this video and I will see you very, very soon in the next lesson. Bye!